चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्माण, आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना बेवर में ग्राम चिराबर का है। यहाँ के निवासी नितिन कुमार पुत्र दिनेश चंद्र ने वर्ष 2017 में पास के ही गांव की एक युवती को शादी का झांसा देकर लगातार 5 वर्षों तक शोषण करने का मामला सामने आया है। अंत में शादी करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने नितिन तथा पिता दिनेश पर आरोप लगाते हुए बताया कि मुझे तमंचे की नोक पर मेरे साथ शारीरिक शोषण किया, मना करने पर मेरे भाई को मारने की धमकी भी दी। जबरिया मेरे साथ शारीरिक शोषण करता रहा और यह कहता था कि हम तुमसे शादी कर लेंगे। मेरे पेट में जब बच्चा आ गया और मैंने जानकारी दी तो मुझे नितिन तथा उनके पिता दिनेश ने बच्चे को मारने की दवा खिला दी। उसके बाद गुड़गांव में एक कमरे में बंद कर दिया और जान से मारने का प्लान भी किया। 2 दिन तक खाना भी नहीं दिया। किसी तरह मैं वहां से अपनी जान बचाकर भाग आई। इस बात को लेकर लड़की के माता पिता लड़की को समझा रहे हैं, लेकिन लड़की का रो रो कर बुरा हाल है। लड़की का कहना है कि अब जिंदगी बर्बाद नजर आ रही है, मेरा कोई सहारा नहीं है। और इस बात को लेकर पीड़िता का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित लड़की ने अपनी माता के साथ जाकर इस बात की लिखित शिकायत थाना बेवर में की है, जिसको पुलिस ने गंभीरता से लेकर पीड़ित लड़की को पूरा आश्वासन दिया है कि आपको न्याय दिलाया जाएगा। पूरा मामला क्या है, आइए हम आपको सुनाते हैं पीड़िता तथा उसके माँ बाप की जुबानी। देखिए मैनपुरी से अजय सिंह भास्कर की ये खास रिपोर्ट। क्या बात है, पूरी बात बताइए आप। बात ये है सर, जासमी का नितिन लड़का मुझे 5 साल सारा ये शोषण करता रहा मेरे साथ जबरदस्ती। यहाँ बाहर घर के बाहर कमरा है, उसमें मिलने आया था मुझसे तमंचा, बोला कि तू मेरे साथ अगर शारीरिक शोषण करेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं तेरे भाइयों को मार दूंगा। और 2 नंबर का धंधा भी करता है वो तमंचा पिस्टल का। मैंने उससे बहुत मना किया कि ये सब ठीक नहीं है, मत करो मेरे साथ, पर उसने मुझे धमकी दे रखी थी मैं तुझे मार दूंगा, नहीं तो तेरे भाइयों को मार दूंगा, ये बोला था। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद उसने मुझसे बोला शादी का झांसा देकर कि तो गुड़गांव बिलासपुर मुझे ले गया। वो वहाँ पे गुड़गांव बिलासपुर ले जाके 1 साल वहाँ पे शारीरिक शोषण मेरे साथ किया उसने। उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हो गई ना, तो फिर उस नितिन को पता चल गया था, नितिन ने और नितिन के पापा ने दोनों ने प्लान बनाया और मुझे दवाई खिला दी, मिसकैरेज हो गया मेरा मतलब, दवाई खिला के। फिर उसके बाद मैंने बोला भी ऐसा क्यों किया, फिर दिनेश ने बोला मुझसे कि मैं तुम्हारी और नितिन की शादी करा दूंगा कुछ दिनों में, ये मुझसे बोला था। फिर उसके बाद दो तीन दिन बाद उसने ऐसा कुछ भी नहीं कराया, उसने कमरे में हाथ पैर बांध के मुझे सर डाल दिया था बिल्कुल पूरी तरीके से, ना खाना पीना कुछ भी नहीं सर, ऐसे ही डाल दिया था। मैं वहाँ से जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के भागी। अब मुझे न्याय चाहिए सर, बस मुझे अपने घर पे रखें तो रखें, अब मैं कहाँ जाऊँ सर, कुछ भी हो सकता है, मेरी इतनी बड़ी जिंदगी है सर, मैं क्या करूँगी आप बताओ। बहुत बार फोन करके गालियाँ भी दी हैं, धमकी भी दी है, बुरी बुरी गालियाँ देता है, गंदी गंदी उसका बाप भी देता है, और क्या बोलते हैं उसकी मम्मी ने भी बहुत बार गालियाँ दी हैं मुझे। अब वो शादी कर रहा है, बताओ सर मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊंगी और उन लोगों से भी खतरा है, उसका बाप बोलता अगर इधर दिख गई ना तो तुझे मार दूंगा मैं। पुलिस प्रशासन से मैंने आज एप्लीकेशन डाला है सर, गुहार लगा रही हूँ, पर मेरी पहले सुनवाई नहीं थी, मतलब अब सुनवाई कर दें, उनसे बहुत बहुत उन कृपा होगी, बहुत बहुत ज़्यादा होगी, हमारी सुनवाई कर दें बस। और कमरा में नितिन घुस गया, आके आई हो नितिन और उसे धमकी दी, कट्टा लेके आया, हथियार लेके, कही नहीं तुम्हारे 2 भाई को मार दिए, पिता को तुम्हारे मार दिए हैं, उन्हें बाकी साथ में गलत किया। और फिर लेके गया
दिल्ली, और दिल्ली गर्भवती हो गई और फिर उसे मारा और फिर उसके पिता ने, और उसने दोनों बंद करके मारा और मार के और फिर लड़की मेरी बांस है चली छोड़ के चले आए और फिर लड़की हमारी घर पे आई। फिर हमने अपनी लड़की रखी और जो नितिन ले गया था सो उसने यहाँ पर फोन किया, मुझे बहुत धमकी दी कि तुम्हारे घर वालों को मार दिए तो लड़की दिल्ली के साथ में रखें तो और हम कुछ बोली नहीं, डर के मारे। और फिर उसके पिता से कही, उसके पिता ने बहुत मुझे गालियाँ दई बहुत कही, तो हमने कही तो हम क्या करें, मैं जा तो बताओ हम इस लड़की क्या करें। सो हमसे बोला माधव चौधरी फोन मत करना हमारे पास भैया, और आज के बाद तो हमने कही तुम्हारे लड़के ने तो हमारी लड़की की जिंदगी बर्बाद करी, कुछ तो न्याय कराओ। उसने मुझे गालियां दी और हम रो के रही, हमने फिर कुछ नहीं उससे कही और फिर हमारी लड़की रोती रही। हम बहुत दुखी हैं और कब कितने खंजे हमें, हमारे घर पे जो होगा सो जो नितिन और दिनेश हैं कर सकता है जो कुछ हो हैं, इनसे हमें बहुत बार लगती जे एक तरह के हमारे लिए बहुत जिंदगी भरे के लिए हो गए। जब जितने क्या चाहती हो अभी आप हैं, हम न्याय चाहते, हमारा न्याय हो और नई लड़की के रखे। क्या साल शारीरिक शोषण किया? 5 साल। 5 साल? हाँ 5 साल। किसने किया? हाँ नितिन ने किया। कहाँ के निवासी? जासमई के निवासी है, दिनेश को लड़का है हैं चौहान। मामला ये है साहब कि हमारी बेटी को ये ले गया। कौन ले गया? नितिन। किस गाँव के निवासी? जासमई के निवासी है जी। वहाँ इसने रखा 4-5 साल से इसका मतलब वो है अनजान, हमारी घर पे भी आया, इसको धमकी दी कि तुम्हारे पापा को भाइयों मार देंगे। ठीक है तो वो दिल्ली ले गया, दिल्ली से यहाँ आया, बिटिया को हमारी छेड़े आया और उसके बच्चे भी मतलब इसमें रह गया, तो बच्चा रह गया, उसके बाद ये छोड़ के चला आया गया वहाँ दिल्ली से। इसने फिर हमको फोन किया कि पापा ऐसी ऐसी बात है, तो ठीक है फिर हमने इसको बुलाया वहाँ से, उसके बाद पैसे भी नहीं थे। 5 साल से शारीरिक शोषण कर रहे हैं? 5 साल थे। हाँ तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाई क्या आपने? पुलिस ने लिखाई थी, पुलिस वालों ने लिखी नहीं थी आपका। फिलहाल की खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए एएसबी न्यूज।